और चलो एक टॉप सीक्रेट बताता हूं मैं आज तुम्हें, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही 100% सफिशियंट है, सिर्फ वही 100% सफिशियंट है। सर इतना काहे ओवर कॉन्फिडेंट हो? अरे भाई बात ओवर कॉन्फिडेंट की नहीं है, बात है उसके पीछे मेहनत की, बात है उसके पीछे इंटेंशन की, बात है उसके पीछे की एक्सपीरियंस की। कितने पेजेस में रोज लेके आता हूं, कितने सवाल मैं करा देता हूं, देखता हूं 39 पेज, 3 पेज एक्स्ट्रा हटा दो तो साहब इस पे सिर्फ सवाल सवाल ही है, सब सवाल सवाल ही है, तो 36-37 तो क्वेश्चन है। और किसी एक या दो टॉपिक में इतने क्वेश्चन कर लेना मोर देन सफिशियंट होता है। आज मैं आपको बता दूं ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। ऑफलाइन में हम इतने सवाल कभी नहीं करा पाते थे, ऑनलाइन में थ्योरी कराते थे 4 सवाल कराते थे, आज हम थ्योरी कराते और 40 सवाल कराते हैं, कम से कम 5-7 टाइम्स एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहे हैं, जो कि आपको करने में भी टाइम लग रहा है, तो घबराने की बात नहीं, टाइम लगेगा, कंटेंट इतना ज्यादा है। तो अब मैं क्या करता हूं कि जो डीपीपी सर देते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं देने देता हूं उनको सवाल, मैं कभी वेरीफाई नहीं करता डीपीपी, हाँ वो इतना बता दो तो कि आज यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर एक दो ऊपर नीचे मिल जाए तो घबराया मत करो। अभी तक कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए अपने, ये 11th का लास्ट चैप्टर, जब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी टॉपिक के सवाल आपको मेरे नोट से बाहर मिले हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ, नोट्स डीपीपी तो छोड़ नोट्स, तो आगे कैसे हो जाएगा। तो हैव पेशेंस, दैट्स इट, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, हैव पेशेंस, नथिंग एल्स, ठीक है ना, भरोसा पेशेंस, जितना समझाया उतना करिए, मस्त रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।